नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश आपका स्वागत करता हूँ शैलेश एंड एनएच टीवी में। और दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा हॉस्टल या पीजी का बिज़नेस आप किस तरह से शुरू कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आज के समय में अगर देखा जाए तो एजुकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुका है, इसलिए दोस्तों काफ़ी स्टूडेंट्स, चाहे वो स्कूल के हो या फिर कॉलेज के या फिर किसी इंस्टीट्यूट में कुछ स्पेशलाइजेशन के अगर कोर्सेज करने के लिए आए हैं उस तरह के दोस्तों, एजुकेशन के लिए यह जो स्टूडेंट होते हैं यह घर से दूर रहकर अपनी पढ़ाई करते हैं, और अक्सर उन्हें रहने के लिए हॉस्टल या पीजी जिसे हम पेइंग गेस्ट कहते हैं, इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा कुछ 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 जगह ऐसे हैं जहाँ पर पर्यटक भी रहने के लिए आते हैं, और उन्हें भी दोस्तों हॉस्टल या पीजी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ज़्यादातर होटल का रेट बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे में दोस्तों, यदि होटल या पीजी खोलकर आप अगर बिज़नेस करते हैं तो आपके बिज़नेस को काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। दोस्तों, यह बिज़नेस काफ़ी प्रॉफिटेबल बिज़नेस है। दोस्तों, यहाँ कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में ध्यान देना होता है जिनकी आपको अपने खुद खुद का अगर हॉस्टल या पीजी का बिज़नेस चलाना है तो उसका सेटअप करने के लिए आवश्यकता पड़ सकती है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले करूँगा मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियोज़ में अक्सर लेके आते रहता हूँ जिसकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों हम समझ लेते हैं कि हॉस्टल या पीजी होता क्या है। देखिए, हॉस्टल या पीजी एक बजट का ओरिएंटेड एक जगह होती है जहाँ पर लोग आमतौर पर ग्रुप के साथ में रहते हैं। यहाँ पर दोस्तों दी जाने वाली जो सर्विस होती है वह विशेष रूप से देखा जाए तो स्टूडेंट्स को, या फिर कोई अगर सिंगल फैमिली है या फिर कोई टूरिस्ट है वह जो आते हैं, इनको पीजी की फैसिलिटी या फिर हम हॉस्टल कहते हैं यह उन्हें दी जाती है। लेकिन दोस्तों, हॉस्टल या पीजी में कुछ कुछ डिफरेंस ऐसा होता है, जैसे कि हॉस्टल अगर देखा जाए तो हॉस्टल का स्थान जो होता है एक बड़े एरिया में खोला जाता है जहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स रह सकें, जैसे कि स्कूल कॉलेज का एक एरिया होता है वहाँ पर, और वहाँ पर दोस्तों स्टाफ भी रखा जाता है जिनके द्वारा हम रहने की खाने की जैसे सभी तरह की कुछ फैसिलिटीज़ दी जाती है। दूसरी तरफ दोस्तों, पीजी ऐसी जगह होती है जो कि एक छोटे से जगह पर, मान लीजिए कि एक छोटे से एरिया में अवेलेबल होता है। यहाँ पर लोग सिंगल फैमिली के या फिर कुछ छोटे छोटे ग्रुप के आते हैं और ग्रुप यहाँ पर रहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अधिकतर अगर देखा जाए तो सिर्फ रहने की सुविधा होती है, वहाँ पर रहने वालों को अपने खाने की व्यवस्था खुद करनी पड़ती है। दोस्तों, यहाँ पर दोनों ही जगहों पर लोगों को इसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। दोस्तों, अगर होटल के मुकाबले अगर देखा जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा जो पैसे देना होता है वह कम देना होता है। इस वजह से इस बिज़नेस में काफ़ी अच्छा हमें बेनिफिट मिलता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि अगर आप वो हॉस्टल का बिज़नेस करना चाहते हो तो आप कौन से तरह का हॉस्टल आप खोल सकते हैं, यानी कि दोस्तों हॉस्टल के कितने टाइप्स होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो एक स्टूडेंट के लिए हॉस्टल आप बना सकते हैं। ये दोस्तों हॉस्टल वह होते हैं जो कि केवल स्टूडेंट्स को फोकस करके एक उनके लिए बनाया जाता है, लेकिन ये दोस्तों अलग अलग प्रकार के भी होते हैं, जैसे कि गर्ल्स हॉस्टल होते हैं। देखिए, आप अपने बिज़नेस को शुरू करने के लिए केवल गर्ल्स का हॉस्टल भी खोल सकते हैं, इसमें केवल लड़कियां और उनका ग्रुप ही रह सकता है। दोस्तों, इन हॉस्टल में कुछ अलग अलग कमरे होते हैं, ये कमरे सिंगल या फिर डबल या फिर फोर सीटर भी आप रख सकते हैं, जहां पर सिर्फ लड़कियों को अपना कमरा किसी दूसरी लड़की के साथ में शेयर करना पड़ता है। इसी तरह बॉयज़ हॉस्टल होते हैं, आप चाहे तो अपने बिज़नेस को शुरू करने के लिए बॉयज़ हॉस्टल का भी ऑप्शन चुन सकते हैं। इस हॉस्टल में केवल लड़के और उनका ग्रुप रहता है। दोस्तों, यहाँ भी गर्ल्स हॉस्टल की तरह आप अलग अलग कमरे अवेलेबल करके एक बॉयज़ के ग्रुप को रख सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह आप एक जनरल हॉस्टल भी बना सकते हैं। आज के समय में अगर देखा जाए तो लड़के और लड़कियां दोनों एक जनरल हॉस्टल में रहते हैं, जहां पर लड़कों की रूम अलग, लड़कियों की रूम अलग, इस तरह से उनके ग्रुप को एक हॉस्टल में आप बना सकते हैं। यहाँ भी दोस्तों उन्हें अलग अलग कुछ कमरे आप दे सकते हैं। इसी तरह आप एक टूरिस्ट लोगों को फोकस करके एक टूरिस्ट के लिए हॉस्टल बना सकते हैं। देखिए, टूरिस्ट पर्यटन स्थल में बहुत से ऐसे
टूरिस्ट लोग घूमने के लिए आते हैं, उन्हें रहने के लिए जगह की आवश्यकता होती है। लेकिन दोस्तों होटल महंगे पड़ने के कारण वे लोग हॉस्टल में रहना पसंद करते हैं। ऐसे लोगों के लिए आप पर्यटन हॉस्टल भी बना सकते हैं। इसमें लोगों को रहने और खाने की आपको सुविधा देनी होगी। आप चाहे तो केवल रहने की जगह भी किराए पर इन्हें दे सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं पीजी की। तो देखिए पीजी यानी पेइंग गेस्ट होता है। पेइंग गेस्ट के बारे में हमने दोस्तों पहले ही जाना है कि यह छोटे छोटे एरिया में होते हैं। इसमें लोगों का ग्रुप लोगों के जो ग्रुप होते हैं फैमिली के साथ में भी रह सकते हैं। इसमें बहुत सारे अलग अलग ग्रुप नहीं होते। इसमें उन्हें रहने के लिए एक कमरा या फिर फ्लैट दिया जाता है। देखिए दोस्तों आपको ऐसी जगह पर हॉस्टल या पीजी को खोलना चाहिए जहाँ लोग इसे ज़्यादा सर्च करते हैं। दोस्तों जहाँ लोगों की इसकी ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसके लिए आप किसी कॉलेज या फिर स्कूल के पास के एरिया में अपने बिजनेस को शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर अगर देखा जाए तो स्टूडेंट्स कॉलेज या स्कूल के पास वाले हॉस्टल या पीजी में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं ताकि उन्हें आने जाने में कोई परेशानी ना हो। तो आप ऐसी जगह का चूज़ करके अपने बिजनेस को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा आप जो हाईवे होते हैं या फिर जो मेन रोड होते हैं वहाँ पर रास्ते में अगर वहाँ के रास्ते पर आप एक हॉस्टल को खोल सकते हैं। यदि दोस्तों आप टूरिस्ट हॉस्टल खोल रहे हैं तो आपको जो टूरिस्ट प्लेस होते हैं उसके पास में अगर आपको हॉस्टल खोलना चाहिए ताकि वहाँ के जो लोग होते हैं वहाँ पर आपके जो हॉस्टल है वहाँ पर आने में उनको आसानी हो जाती है। तो इस तरह दोस्तों आप अपने बिजनेस के लिए हॉस्टल के बिजनेस के लिए अपनी जगह को चूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जब आप हॉस्टल के बिजनेस को करने के बारे में सोच रहे हैं तो इसमें खर्चा कितना आ सकता है और कमाई आपकी कितनी हो सकती है। देखिए किसी भी हॉस्टल या पीजी का बिजनेस शुरू करने से पहले आपको इसमें कुछ इन्वेस्ट करने की आवश्यकता होती है क्योंकि इसमें आपके कस्टमर हैं उनको कुछ आवश्यक चीज़ें होती है उसको अवेलेबल करना होता है। जैसे कि दोस्तों बिस्तर हुआ, कपड़े हुए, बर्तन हुए, इसी तरह के कुछ चीज़ें और उनको जो यूज़फुल है वह आपको देनी पड़ती है। इसके अलावा आपको हॉस्टल खोलने के लिए एक बिल्डिंग की ज़रूरत भी पड़ती है। हॉस्टल का लाइसेंस भी आपको लेना पड़ता है। इसके लिए भी आपको कुछ खर्चा आ सकता है। इस तरह से इस बिज़नेस को शुरू करने में आपको कुछ इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए तो आपने इसमें एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो आपको इसके बाद इसमें कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों अब अगर कॉम्पिटिशन की बात करें तो दोस्तों बढ़ते हुए कॉम्पिटिटर की वजह से लागत कम रखने के लिए आपको इस बिज़नेस को कम इन्वेस्टमेंट के साथ में सेट करना होगा। इसके अनुसार दोस्तों आप अपने प्रोजेक्ट की एक प्लानिंग बना लें। इसके लिए आप एक स्टेप से शुरू करें जहां आप केवल अपनी इनकम 35-40% आप अपनी इनकम का 35-40% इन्वेस्ट कर सकते हैं और दोस्तों अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। आप बाद में दूसरा स्टेप उठा सकते हैं जैसे कि और बाद उसके बाद आप तीसरा स्टेप उठा के अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। और दोस्तों आपको अपनी पिछली गलती या जो भी आपको इस बिज़नेस में मिलती है उसको सुधारते हुए और अपने पैसे को पूरी तरह से इन्वेस्ट करते हुए अपने प्रॉफिट ऑफ मार्जिन के तरफ ध्यान देना पड़ता है। बिज़नेस के लिए आप सेटअप किस तरह से कर सकते हैं। देखिए हॉस्टल का सेटअप आप रेडी करने के लिए आपको अपने हॉस्टल का एरिया अलग अलग डिवीज़न में डिवाइड कर लेना होगा। जैसे कि रहने का, खाने का, बाथरूम, खेल रूम, रसोई घर, कॉमन रूम, रिसेप्शन रूम, एंटरटेनमेंट रूम और दोस्तों इसके अलावा आपको जो बिस्तर का जो सेक्शन होता है उसको आपको एक बना लेना होगा और समय समय पर आपको इसमें इनोवेशन करते रहना पड़ेगा। दोस्तों आप एक कमरे में 3 या 4 बिस्तर लगा सकते हैं। इसके अलावा भी आप अपने जो एरिया है वहाँ पर इनोवेटिव थिंक के साथ में अपने सेटअप को बढ़िया बना सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं जब भी आप हॉस्टल या पीजी का बिज़नेस शुरू करने के लिए सोचते हैं तो वहाँ पर आपको किन किन फैसिलिटी को कस्टमर को देना होता है। क्योंकि दोस्तों कस्टमर को अगर आप फैसिलिटी दोगे तो कस्टमर सेटिस्फाइड होगा और आपके हॉस्टल या पीजी में बार बार आने के बारे में सोचेगा। इसलिए दोस्तों आपको सबसे पहले आपको उनके लिए आपको लॉकर्स की सुविधा करनी होगी। दोस्तों हॉस्टल चाहे हॉस्टल है आपका लेकिन वो कहीं ना कहीं एक छोटा होटल ही उसे कहा जाता है। लगभग दोस्तों हर होटल की तरह
काम करता है, लेकिन होटल में जो रहने वालों को जो फैसिलिटीज़ दी जाती है उतनी आपको नहीं देनी होती है। इसमें रहने वालों के सामान के लिए आपको सेफ्टी कर देनी होती है। दोस्तों हॉस्टल में लोगों के पास में केवल अपने सामान के लिए सेफ़ लॉकर्स आपको लगा लेने हैं। अपने हॉस्टल बिजनेस को शुरू करते समय आप रहने वालों के लिए सबसे अच्छे क्वालिटी के और थोड़े अगर अच्छे वाले अगर लॉकर्स प्रोवाइड करते हैं तो इसमें दोस्तों आपको यह लॉन्ग टाइम लॉकर्स आपके काम में आते हैं, जहाँ पर आपको बार बार खर्चा करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। नहीं तो दोस्तों इसका अगर आप दुरुपयोग अगर करते हैं तो आपके हॉस्टल का नाम कहीं ना कहीं ख़राब हो सकता है। और इसके बाद में देखिए बिस्तर के तरफ भी आपको ध्यान देना है। अगर आप अपने हॉस्टल के कमरों में डबल बेड या फिर सिंगल बेड या दोनों को कंबाइन करके अगर बिस्तर का यूज़ करना चाहते हैं तो आपको इसका 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 इसके बारे में आपको सोचना होगा। आपको यहाँ रहने वालों की प्राइवेसी के तरफ भी आपको ध्यान देना है। दोस्तों यह ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हॉस्टल में रहने वाले लोग अपने कमरे को एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं, तो दोस्तों आपको प्राइवेसी की तरफ ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इसके साथ दोस्तों आज का अगर ज़माना देखा जाए, आज का अगर टाइम देखा जाए तो इंटरनेट का है, इसलिए आपको अपने अपने हॉस्टल या पीजी में इंटरनेट फैसिलिटीज़ भी अगर देते हैं तो एक कस्टमर के लिए एक अच्छा बेनिफिट होता है। देखिए आप अपने हॉस्टल में इंटरनेट की फैसिलिटी लगा दीजिए क्योंकि आज के समय में यह बेसिक चीज़ है। दोस्तों इंटरनेट का यूज़ तो आप वाईफाई और लैंडलाइन के यूज़ से भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको आपके मेहमानों को इंटरनेट का यूज़ करने के लिए लैपटॉप या कंप्यूटर रखने की आपको आवश्यकता नहीं होगी, सॉरी आवश्यकता अगर उनके पास में नहीं है तो आवश्यकता होगी। और दोस्तों आप अपने हॉस्टल में रहने वालों को यह रखने की आप अनुमति दे सकते हैं और इंटरनेट की फैसिलिटीज़ रख सकते हैं। इसके लिए आप उनसे एक्स्ट्रा चार्जेस भी ले सकते हैं। दोस्तों इसी तरह आपको अगर आप टूरिस्ट का अगर हॉस्टल खोलते हैं तो आप अपने रूम में जो आपका पर्यटन वाला अगर स्थल है तो उसके आप नक्शे रख सकते हैं। तो दोस्तों आपके मेहमानों को उस सिटी के चारों ओर घूमने के लिए वह आते हैं जहाँ पर, तो दोस्तों इसके वजह से जब अगर वो आपके पास में रुकते हैं तो इन नक्शों की मदद से उन्हें एक डायरेक्शन मिलेगा कि कौन सी जगह कहाँ पर है। इसलिए आप एक नक्शा ज़रूर वहाँ पर प्रोवाइड कर दें ताकि उन्हें शहर सिटी में घूमने के लिए एक जल्दी जल्दी एक उनके उनको गाइडेंस होते जाए। यदि आप टूर गाइड एजेंसी से लिंक करते हैं तो आप उस उनके 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 द्वारा भी उन्हें शहर सिटीज़ को घुमा सकते हैं और वहाँ से भी एक्स्ट्रा चार्जेस आप एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरह खाना पीना बहुत ज़रूरी होता है, तो दोस्तों खाने पीने की तरफ आपको ध्यान देना है क्योंकि ज़्यादातर हॉस्टल में खाने की सुविधा दी जाती है। आप अपने हॉस्टल में एक मेस ओपन कर दीजिए, एक मेस का जुगाड़ कर लीजिए, वहाँ पर मेस फैसिलिटीज़ भी दे दीजिए जो कि आपके मेहमानों के लिए खाने पीने की व्यवस्था हो जाएगी, या फिर आप किसी टिफ़िन सर्विस सेंटर के साथ में कांटेक्ट करके उनसे जुड़ कर भी आप अपने हॉस्टल या पीजी में टिफ़िन सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। इस तरह से आप ये सभी सुविधाओं के साथ में कस्टमर को एक अच्छी फैसिलिटीज़ और एक अच्छी सर्विस देकर अपने बिजनेस को एक अच्छा बना सकते हैं और एक अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर आप इस बिज़नेस को शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए कौन से लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता पड़ सकती है। देखिए कई बार ऐसा होता है कि लोग हॉस्टल खोलकर दोस्तों बैठ तो जाते हैं लेकिन खुद को रजिस्टर नहीं करते। ऐसे में दोस्तों हॉस्टल जो है आपका सेफ नहीं होता है और लोग भी ऐसे जगह पर आना जाना पसंद नहीं करते हैं। दोस्तों आपको इसका ध्यान देना होगा और आपको अपने होटल या पीजी का रजिस्ट्रेशन करके लाइसेंस ले लेना होगा। दोस्तों देखिए सबसे पहले आपको एक ट्रेड लाइसेंस लेना है। हॉस्टल खोलते समय अगर आप किसी बिजनेस के लिए बिजनेस लाइसेंस ज़रूरी होता है। ट्रेड लाइसेंस एक ऐसा प्रमाण पत्र यानी कि डॉक्यूमेंट होता है जो बिज़नेस को जारी रखने के लिए अनुमति देता है और इसके लिए ही यह डॉक्यूमेंट बनाया जाता है।
दोस्तों इसी तरह आप एक FSSAI का सर्टिफिकेट निकाल लीजिए। आप दोस्तों अपने हॉस्टल के बिजनेस में खाद्य यानी कि फूड की फैसिलिटीज़ देने दोगे तो आपको यह दोस्तों डिसाइड कर देना होगा कि भोजन आपके भोजन किस क्वालिटी का आप और कितना स्वस्थ आप लोगों को दे रहे हैं। इससे दोस्तों इससे किसी को किसी तरह का कुछ नुकसान तो नहीं हो रहा है। इसके लिए आप अपने पास की जगह से एक खाद्य और सुरक्षा सरकारी एजेंसी होती है वहाँ पर जाकर आप FSSAI का सर्टिफिकेट निकाल लें। दोस्तों यह डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होता है। और दोस्तों इसी तरह आपको एक NOC भी निकाल लेनी होगी। आपको अपने बिजनेस का नगर पालिका में एक NOC की आवश्यकता पड़ती है। आपको जो आपका जो पास का पुलिस स्टेशन है वहाँ पर आपको बता देना होगा। और इसमें आमतौर पर सभी कागजात और जो एरिया होता है उसका एग्जामिन किया जाता है। दोस्तों इस तरह से आपको एक NOC निकालनी होगी। तो यही लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन आपको ज़रूरी आवश्यक पड़ेगा। और बाकी दोस्तों अगर आपको डॉक्यूमेंट्स में कुछ पूछना है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरह आपको अपने हॉस्टल या PG में एम्प्लॉय रखने होंगे। हॉस्टल के बिजनेस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हॉस्टल में काम करने वाले कर्मचारी किस तरह से है। देखिए आपको सबसे पहले आपके हॉस्टल को संभालने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जो कि आपके हॉस्टल में आने जाने वालों को बाकी चीज़ों का और आने जाने वालों या बाकी जो चीज़ें हैं उसके तरफ वो ध्यान रख सके। दोस्तों इसके अलावा आपको सफाई कर्मचारी हुआ, गार्ड हुआ, मेस में लेबर हुए, इन सब की आवश्यकता आपको पड़ सकती है। ध्यान रहे दोस्तों कि आप अपने हॉस्टल में सबसे अच्छे लेबर को रखिए, क्योंकि वे वही लोग होते हैं जो आपके हॉस्टल को एक अच्छे लेवल पर ले जा सकते हैं। और वही लोग होते हैं जो आपके हॉस्टल का नाम भी कहीं ना कहीं ख़राब कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर देते हैं मार्केटिंग के बारे में। आप अपने बिजनेस देखिए आपको अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए अपने हॉस्टल का प्रमोशन करना होगा ताकि दोस्तों आपके हॉस्टल में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और आपका बिज़नेस ज़्यादा से ज़्यादा चले। दोस्तों आप अखबार में एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं, स्कूल या कॉलेज के बाहर होल्डिंग या बैनर लगा सकते हैं। दोस्तों अगर आपका टूरिस्ट प्लेस है तो वहाँ पर भी होल्डिंग और बोर्डिंग करके आप पॉम्पलेट भी बंटवा सकते हैं। और साथ ही दोस्तों पॉम्पलेट आप हर जगह पर या फिर न्यूज़पेपर में भी डाल के बांट सकते हैं ताकि लोग आपके हॉस्टल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट देख सके और वह आपके हॉस्टल में आने के लिए अट्रैक्ट हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके बिज़नेस में आके आपके बिज़नेस को बढ़ा सके। दोस्तों इस तरह से इस बिज़नेस को शुरू किया जाता है और कम इन्वेस्टमेंट में आप एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। दोस्तों यह बिज़नेस लंबे समय तक चलने वाला बिज़नेस है और चाहे तो आप इसे अपने घर से भी शुरू कर सकते हैं। ध्यान दें कि अगर आपके घर में रूम और पेइंग गेस्ट को रखने की फैसिलिटीज़ है या फिर ज़्यादा रूम है तो हॉस्टल भी आप बना सकते हैं। दोस्तों तो यही था वीडियो हॉस्टल और पीजी के बिज़नेस के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इसके बारे में आपके दिल में कुछ भी सुझाव या सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि इस तरह के वीडियोज़ में अक्सर लेके आते रहते हैं जिसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।